विपिन पाल हैं यूट्यूब से, कह रहे हैं आचार्य जी की बातें वैसे तो ठीक होती हैं लेकिन बताते बहुत एटीट्यूड से हैं, एक दोस्त की तरह नहीं बोलते, ये बात मुझे खटकती है। हाँ है एटीट्यूड तो, तुम्हें कैसे पता एक दोस्त होता कैसा है ये समझाओ मुझे विपिन पाल। तुम कह रहे हो आचार्य जी एटीट्यूड के साथ बोलते हैं और दोस्त की तरह नहीं बोलते, दोस्त की तरह नहीं बोलते, जरा अपने खोपड़े के भीतर जाओ। जब तुम कहते हो कि मैं दोस्त की तरह नहीं बोलता तो इसका मतलब तुम जानते हो कि दोस्त कैसा होता है ना, तुम्हारे पास एक छवि एक इमेज है कि दोस्त ऐसा होना चाहिए और दोस्त इस तरीके से बातचीत करता है, और फिर तुम कहते हो तुलना करके कि नहीं ये आचार्य जी तो वैसे नहीं बोलते। तुम्हारे पास दोस्त की एक छवि है और तुम मुझे देखते हो और मेरी बातचीत और मेरा बोलने का ढंग और मेरा तुम्हारे प्रति जो रवैया है माने एटीट्यूड, वो तुम्हारे मन में दोस्त की जो छवि है उससे मैच नहीं करता। तो तुम कह रहे हो आचार्य जी दोस्त की तरह नहीं बोलते। तुम्हें कैसे पता वो जो तुम मन में रख के बैठे हो दोस्त की छवि वो ठीक है? तुम्हें कैसे पता कि दोस्त वैसा ही होना चाहिए जैसी तुमने उसकी इमेज बना रखी है? तुम्हें कैसे पता कि वो जिसको तुम दोस्त बोल रहे हो वाकई तुम्हारा दोस्त है? दोस्त की परिभाषा ये है कि वो है तुम्हारा दोस्त जो वाकई तुम्हारा हित करे, जो वाकई तुम्हारा हित कर दे, जो तुम्हारी जिंदगी को यहां से उठा करके यहां ले जाए, जो तुम्हारे मन को यहां से उठा करके यहां ले जाए, उसको कहते हैं दोस्त। और तुम्हारे मन में जो दोस्तों की छवि है, क्या उन्होंने ऐसा करा है तुम्हारे साथ कि उन्होंने तुम्हारी जिंदगी को उठा के यहां से यहां रख दिया, तुम्हारी चेतना को, तुम्हारी पूरी सोचने समझने के तरीके को उठा के यहां से यहां रख दिया? उन्होंने ऐसा करा है? अगर नहीं करा तो वो दोस्त है कहां तुम्हारे? पर नहीं विपिन, तुमने तो वो फिल्मी गाने देखे हैं, यार आधा यार वाले, और तुम्हें लगता है ऐसे ही तो होते हैं दोस्त। अच्छा ये सब जो म्यूजिक वीडियोस होते हैं और फिल्मी गाने होते हैं और जो भी कुछ होता है सोशल मीडिया में, बताना उसमें किसको दोस्त दिखाया जाता है? दोस्त अगर कोई है तो उसके लक्षण क्या बताए जाते हैं? ये जो दोस्त नाम का तत्व तो है एलिमेंट, इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? क्या होती हैं? हाँ मैं हाँ तो बहुत छोटी बात है, तुम जाओ ना जरा सोशल मीडिया पर जाओ या फिल्मों में जाओ और मुझे बताओ कि अगर कोई दोस्त है तुम्हारा यार जिगरी, तो उसका तुम्हारा रिश्ता कैसे होता है और उसके तुम्हारे बीच में किस तरह की घटनाएं घटती हैं? मैं बताता हूं किस तरह की घटनाएं घटती हैं। तुम गए थे और तुम लड़की छेड़ रहे थे, वहां तुम पिटने लग गए, तो तुम पिटते पिटते किसी तरीके से मोबाइल निकाल करके अपने दोस्त वाला इमरजेंसी नंबर डायल करते हो, और फिर वो या तो बुलेट पर या बोलेरो पर पासाब लफंगे लेके आ जाता है तुम्हारे पक्ष से लड़ने के लिए, ये तुम्हारे दोस्त होता है। और कौन सा दोस्त होता है? दोस्त वो होता है जो परीक्षा में तुम्हें नकल करा दे। और कौन सा दोस्त होता है जिससे तुम अपनी जिंदगी की सब घटिया बातें शेयर कर सको? और कौन होता है तुम्हारा दोस्त जिसके साथ तुम बैठ करके शराबबाजी कर सको? वो तुम्हारा दोस्त होता है। और कौन होता है तुम्हारा दोस्त? हाँ गेमिंग, हाँ जिसके साथ तुम गेमिंग कर सको। ये मैं करा नहीं तो जानता नहीं हूं, पर ये दोस्तों के साथ क्यों होती है? तो कंप्यूटर के साथ होती होगी ना? अच्छा अच्छा मल्टीप्लेयर, तो उसमें कई होते हैं जो इधर उधर बैठे हुए हैं और आपस में कंपटीशन होती होगी। तो ये तुम्हारे दोस्त होते हैं। और क्या होते हैं दोस्तों के लक्षण? बोलो बोलो और क्या होते हैं? जो तुम्हारी सेटिंग करवा दे। बिल्कुल बिल्कुल। और क्या होते हैं दोस्तों के लक्षण? बोलो, वो तो तुम लोग भी यारियां तो होंगी। हाँ, कि तुम क्लास अटेंड भी कर रहे हो तो चार पांच तुम्हारे जिगरी आए और बोले अरे छोड़ ना बंक मारते हैं, और जो तुमको क्लास से उठाकर ले जाए, क्लास अटेंड ही ना करने दे, बंक मरवा दे, उसका नाम है दोस्त। और कैसे होते हैं दोस्त? हाँ, जिनके सामने तुम रोना रो सको कि हाय हाय मैं तो बहुत
मजबूर हूँ, दुखिया हूँ, किस्मत का मारा हुआ, वो तुम्हारा दोस्त है। एक बात होता ना, इतने जवान लोगों को, मैं सोच रहा हूँ कि ये विपिन पाल भी कोई जवान आदमी होंगे, तो इतने जवान लोगों को नशे की, ड्रग्स की लत लगी होती है, ये लत उन्हें उनके दुश्मनों ने लगवाई? बोलो, कोई अगर ड्रगिस्ट बन जाता है तो संभावना क्या है, उस तक ड्रग्स पहली बार कौन लेके आया होगा? दोस्त। तो ये है तुम्हारे दोस्त की परिभाषा, जो तुमको नशा करा दे, जो तुम्हारी जिंदगी को एक के बाद एक पातालों में गिरा दे, वो तुम्हारा दोस्त है ना। फिर तुम कहते हो आचार्य जी दोस्त की तरह नहीं बात करते, मैं तुम्हारा दुश्मन हूं कि मैं इस तरह की दोस्ती दिखाऊं तुमसे? लेकिन बात सुनने और समझने की जगह तुम चाह रहे हो कि मैं भी तुमसे दोस्त की तरह बात करूं। और क्यों चाह रहे हो दोस्त की तरह बात करूं, वो भी तुम्हें बता देता हूं। और भी लोग होंगे ना तुम्हारी जिंदगी में होंगे जो तुम्हें ज्ञान देते होंगे, या YouTube पर होंगे जो तुम्हें मोटिवेशन वगैरह देते होंगे, या आध्यात्मिक कुछ ज्ञान देते होंगे, वो सब तुमसे वैसे ही बात करते हैं जैसे तुम्हारे जिगरी बात करते हैं। तो तुम कहते हो कि अरे जब वो आध्यात्मिक महागुरु हैं और वो मोटिवेशन वाले हैं, वो हमसे इतने प्यार से बात कर सकते हैं, तो ये आचार्य जी रूखा क्यों बोलते हैं? फिर तुमको लगता है ये इस आदमी में एटीट्यूड ज्यादा है, ये जो आचार्य बना बैठा है इसमें एटीट्यूड बहुत है, इसीलिए ऐसे रूखा बोलता है। उनमें जो कुछ भी है बेटा तुम्हारे काम का है, मैं तुमसे जो भी कुछ बोल रहा हूं तुम्हारे भले के लिए बोल रहा हूं, और यही असली दोस्ती है। मेरी नजरों से अगर देख सको तो मैं ही हूं तुम्हारा असली दोस्त, लेकिन मैं तुमको दुश्मन लगता हूं, और ये सब जिन्होंने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर रखी है ये तुमको दोस्त लगते हैं, वो तुमसे मीठा बोलते ही इसीलिए ताकि तुम्हें फंसाए रख सकें। ना उनका इरादा है, ना उनकी नीयत है, और ना ही उनकी हिम्मत और हैसियत है कि वो तुमसे साफ सच्ची बात कर सकें। दुकानदार को देखा है कभी ग्राहक से तो टूक बात करते हुए? क्यों? क्योंकि उसे कुछ उगाहना है, कुछ मुनाफा चाहिए, कुछ लाभ चाहिए, तो वो कभी सीधी बात करेगा नहीं। मैं तुमसे सीधी बात करता हूं क्योंकि मुझे तुमसे कुछ चाहिए नहीं, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूं, तो इसीलिए मुझे बहुत परवाह नहीं है कि मेरी दुकान पर कितने लोग आकर के खड़े हो गए। मैं बांट रहा हूं कुछ, मैं तुम्हें कुछ दे रहा हूं, इसलिए साफ बात बोलता हूं, और यही साफ बात असली दोस्ती होती है। तो तुमने दोस्त की जो छवि और परिभाषा बना रखी है उसको जरा साफ करो, ठीक करो, फिर मुझे थोड़ी सहानुभूति और संवेदना के साथ देख पाओगे, फिर समझ पाओगे कि मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं, तुम्हारे दरवाजे पर भेंट लेके, तोहफा लेकर के दोस्ती का तुम्हें देना चाहता हूं, और तुम न जाने किस गुरूर में हो, जाने नशे में हो, वास्तव में तुम अपने झूठे दोस्तों के साथ मस्त हो। बस तुम्हें मेरी बात सुनाई नहीं देती, सुनाई देती भी है तो समझ नहीं आती। चलो कोई बात नहीं।